हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको सूचना के अधिकार के विषय में एक नया वीडियो के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसे YouTube में सूचना के अधिकार के विषय में अनेक वीडियो है, कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन चीजें जो किताबों में रहती है, एक्ट जो किताबों में लिखा रहता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, दो चीज अलग है। जो किताबों में लिखा है और जब आप सूचना का अधिकार के तहत एक एप्लीकेशन लेके लोक सूचना अधिकारी के पास किसी कार्यालय में जाओगे, तो आपको वहां पे कैसे अनुभव होंगे, उसके विषय में मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि आज मैंने एक खबर पढ़ी दी वायर में, RTI की पहली और दूसरी अपील पर जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित हो। मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि सही मायने में जब हम RTI का आवेदन लगाते हैं ना, तो उस कार्यालय का व्यवहार हमको कैसा होता है उसका भी मंथन करना चाहिए। मैंने कई RTI एप्लीकेशन लगाए हैं और मुझे भी जरूरत पड़ी तो मैं RTI से जानकारी लेना चाहा है। इवन मैं एक अपने घर से बहुत दूर जिले में, प्रदेश के अंदर ही, मध्य प्रदेश के अंदर मैंने जानकारी लगाया, तो मुझे जानकारी नहीं मिली थी और मुझे अपील करना पड़ा था। तो इससे मेरे को समझ में आता है कि आम आदमी जिसको एक अच्छे से आवेदन लिखते भी नहीं बनता और बड़ी तकलीफ होती है, एक्ट के बारे में नहीं जानता, वेबसाइट के बारे में नहीं जानता, गूगल सर्च नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता, इवन बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं जानता, वो आवेदन भी लिख नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के को यदि, और एक आम आदमी को भी जो शासकीय प्रक्रिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता और ना शासकीय कार्यालय के कार्य व्यवहार के बारे में ज्यादा जानता है, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। ऐसे तो आपको एक्ट 2012 से 2005 से बना है, लेकिन सही मायने में जब आप आवेदन देने के लिए लोक सूचना अधिकारी के पास जाते हैं, तो किस तरीके के कार्यालयों में टोल मटोल किया जाता है, पहले तो आपका आवेदन लिया ही नहीं जाता। ये कह देते हैं कई ऑफिसों में तो कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन आप नहीं लोगे, पहले मुझे फोन करोगे। लोक सूचना अधिकारी कहता है, बॉस कहता है कार्यालय का, मुझे सूचना दोगे, तो पहले वो उसको फोन करता है और फिर वो जानकारी लेता है, आपको जानकारी लेता, सॉरी, आवेदन लेता है और पावती देता है। तो कई कार्यालयों में तो पावती तक नहीं देते और इवन कई कार्यालयों में एक छोटा सा इनिशियल कर देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप किसी कार्यालय जाते हैं तो उसमें पावती में सील होनी चाहिए और जिन व्यक्ति ने आवेदन लिया उसका नाम भी लेना चाहिए, डेट होनी चाहिए, तब वो पावती कारगर होती है। यदि ये सब नहीं होती तो फिर आपको किस प्रकार से अपील लगाने में बड़ी कठिनाई हो सकती है। तो आगे चलते हैं। सूचना, भारत सरकार का अधिनियम कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाली व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार करना चाहिए, कर्टियस बिहेवियर करना चाहिए। इसका मतलब ये यदि सर्कुलर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मतलब अभद्रता का व्यवहार होता है। आपने सुना होगा कई बार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई है। अभी वर्तमान में राज्यसभा में पूछा गया किसी मेंबर से, सरकार से, भारत सरकार से, कि कितने व्यक्तियों की RTI के तहत हत्या हुई, तो सरकार ने कहा हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो जब आप किसी कार्यालय में जाते हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वहां का लोक सूचना अधिकारी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। एक सर्कुलर है जो 24 जून 2008 का है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग ने इस विभाग को सूचित किया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों के अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी लोक प्राधिकरण और उसके लोक सूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व मांगी गई सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, उनसे यह भी अपेक्षित है कि सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करे। किसी व्यक्ति को सूचना या सहायता प्रदान करते समय उसके साथ भद्र व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी जो डिग्निटी है उसका भी ध्यान देना चाहिए कि उसका मान सम्मान हो। तो इतना ज्यादा भारत सरकार इस एक्ट के लिए चिंतित है, लेकिन जो चीज लिखी हुई है वो सही मायने में उसका रेस्पेक्ट हिज डिग्निटी लिखा हुआ है, तो सही मायने में ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सही मायने में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोक सूचना अधिकारी तो फटाफट जानकारी दे देते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा कि जब सूचना ऐसी है जिससे कि लोक सूचना अधिकारी को कोई खतरा नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई विवादित डिस्प्यूटेड मामला नहीं, तो जानकारी बड़े आसानी से सूचना दे दी जाती है। यदि कोई मामला डिस्प्यूटेड है तब जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाती। इवन आप प्रथम 30 दिन हो जाते हैं, 30 दिन के बाद आपको आवेदन नहीं मिलता, जानकारी नहीं मिलती, तो आप अपील लगाते हैं। इवन कई कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी का बोर्ड भी नहीं रहता और यह भी नहीं होता कि इसका प्रथम अपीली अधिकारी कौन है और
प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से भटकोगे। ये सारी जानकारी बड़े बड़े कार्यालयों में नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि उस कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी का बोर्ड हो, प्रथम लोक सूचना अधिकारी, दूसरा लोक सूचना अधिकारी का बोर्ड हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आरटीआई जो एक्ट है, बहुत एक कहने में तो सरल है आरटीआई की जानकारी लेना, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है। आगे चलते हैं, सूचना का अधिकार। ठीक है, इसके बाद आपको और भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट में दी हुई है, इसकी www.rti.government.in की वेबसाइट में आपको ये जानकारी मिलेगी। यहां से सूचना का अधिकार का हिंदी में एक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा एक्ट मैं बताना चाहूंगा कि कई बार तो ऐसा हुआ कि सूचना के अधिकार की हम फीस कैसे देंगे, तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई बार नगद फीस भी हमको देना है, नगद भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, इंडियन पोस्टल आर्डर। अब ये भारत सरकार का कानून है 5 दिसंबर 2008 का कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत हम जो शुल्क देंगे वो डिमांड ड्राफ्ट से देंगे, बैंकर चेक से देंगे, इंडियन पोस्टल आर्डर से देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाओ तो इतना आसानी सब कुछ है। वो कहेगा हमें तो या तो नगद चाहिए, या तो हमें डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, या बैंकर चाहिए, इंडियन पोस्टल आर्डर चाहिए। वो अपना एक सुविधा का कॉर्नर खोज लेता है और उसी के तहत वो जानकारी मांगता है। ये बड़ी समस्या है। और ये भी कि आप जाके ये सर्कुलर बताओगे तो बोलोगे हमें मतलब नहीं है। इसीलिए आपको ये सर्कुलर की जानकारी होना चाहिए कि ये सर्कुलर है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये भारतीय पोस्टल आर्डर में सूचना का अधिकार के तहत हम शुल्क दे सकते हैं, लेकिन कई कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी मना कर देते हैं कि हमको नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी भारत सरकार ने ऐसे निर्देश जारी करे हैं कि नहीं, भारतीय पोस्टल आर्डर में सूचना का अधिकार के तहत शुल्क जमा करना आसान है, क्योंकि सबसे आसान है पोस्टल ऑर्डर। बैंक, आप पोस्ट ऑफिस जाइए और आपको जितने के भी पोस्टल ऑर्डर है खरीद लीजिए, तो बड़ा आसान तरीका है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है, लेकिन कई लोक सूचना अधिकारी आपको सहयोग इसमें भी नहीं करते हैं। और जब आप अपील करते हैं तो अपील में यदि शुल्क मांगता है कि हमको ये 2000 रुपए की जानकारी हमको चाहिए, तो वो भी हम पोस्टल ऑर्डर से जमा कर सकते हैं। आपको सामान्यतः एक्ट के विषय में थोड़ी जानकारी तो होना चाहिए, अदरवाइज आपको कार्यालयों से जानकारी लेना बहुत कठिन होगा। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। तो गूगल में जाके सूचना का अधिकार हिंदी पीडीएफ लिखेंगे तो आपको एक्ट मिल जाता है, और डाउनलोड करके आप पढ़ें तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि हर चीज सूचना से ही होती है। यदि आपके पास कोई जानकारी ही नहीं होगी तो क्या होगा, भगवान न करे आपके जीवन में जब संकट आएगा, कष्ट आएगा, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि वो दस्तावेज की जरूरत है, वो कार्यालय का लोक सूचना अधिकारी आपको जानकारी नहीं देगा, तो बहुत तकलीफ होती है। ये एक ऐसा कानून है कि इस आपदा में अनेकों प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार को भंडाफोड़ करने जब लोग कार्यालय आज जा रहे हैं तो उनके साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता। और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कई जानकारियां किसी कार्यालय से चाहिए होती है, तो आपको जानकारी की जरूरत पड़ती है, सूचना के अधिकार की याद आती है, जब आप मुसीबत में पड़े हो। तो यही एक ऐसा एक्ट है सूचना का अधिकार, जो आपको बहुत ताकतवर बनाता है, और एक आम आदमी को इतना ताकतवर ये एक्ट बनाता है। तो आपसे निवेदन है कि आरटीआई एक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट में डली हुई है, और उसमें कई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो डिसीजन है वो भी दिए हैं। आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में भी सर्कुलर कई इसमें दिए हुए हैं, और आरटीआई का एमआईएस आप क्लिक करोगे तो उसमें हिंदी में भी कई सर्कुलर मिल जाते हैं आपको, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है ये आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग चाहोगे, कुछ कमेंट करोगे, तो इस प्रकार के जो सूचना के अधिकार के अधिनियम और कई ऐसे हाई कोर्ट के अधिनियम में, जैसे थर्ड पार्टी क्या होता है, पर व्यक्ति सूचना क्या होती है, उसको किसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, और भी बनाई जा सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप भी अपनी बात लिखें कि सही में सूचना के अधिकार के तहत आप कार्यालय गए तो आपको कैसा व्यवहार। कई बार तो ऐसा होता है कि सूचना के अधिकार के तहत आप जाते हो तो वहां का जो कार्यालय प्रमुख है या लोक सूचना अधिकारी है, वो देने के मूड में नहीं होता जानकारी। कौन सी? कोई विवादित जानकारी। आप कोई करप्शन को लेकर बात कर रहे हो, आप विशुल ब्लोअर हो, कोई सूचना के अधिकार के जानकारी मांग रहे हो, तो जानकारी नहीं देते हैं लोग। दूसरी, जब आप अपील करोगे तो अपील में भी जानकारी आपको मिलती नहीं है। आप प्रथम अपील करोगे, 30 दिन के बाद आप प्रथम अपील के पात्र हो जाते हो। आपने प्रथम अपील किया, प्रथम अपील में आपको क्या लगता है? आप पहले आवेदन के साथ तो आपको 10 रुपए का शुल्क लगता है, ठीक है। जब प्रथम अपील करोगे तो आपको 50 रुपए का आवेदन लगता है, दूसरी अपील में 100 रुपए का आवेदन लगता है। जब आप प्रथम अपील में 50 रुपए का आप शुल्क लेके जाओगे, अपना आवेदन लगाओगे, टाइप कराओगे, कई बार तो ये होता है कि वहां का बैठा जो बाबू है या शाखा प्रभारी है, छोटी छोटी त्रुटियों को लगा के आवेदन को निरस्त कर देता। तो आपको आवेदन भी सावधानी से भरना चाहिए, और बैंक ड्राफ्ट का नंबर आवेदन में भी वही भरना चाहिए और बैंक ड्राफ्ट में जो लिखा है,
या पोस्टल ऑर्डर का नंबर वही डालना चाहिए जो लिखा है, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, क्योंकि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें लोक सूचना अधिकारी को 25,000 तक का जुर्माना होता है, इसीलिए आवेदन को भी बहुत सावधानी से भरा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी सूचना के अधिकार के चाहिए तो आपको बता सकते हैं कि लेटेस्ट क्या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और भी इस विषय में क्या जो निर्णय आए हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा, कि और जानकारी हम कैसे प्राप्त करें, जानकारी कम से कम प्राप्त करें। एक अधिनियम, एक ही आवेदन में ढेर सारी जानकारी लिखने से कभी कभी आपको नुकसान होगा, तो जानकारी बहुत छोटे स्वरूप की प्राप्त करें और जानकारी ऐसी मांगे उसमें क्वेश्चनेयर ना हो, कोई क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया नहीं। आपको जो कार्यालय में जानकारी संधारित होती है वही जानकारी मांगना चाहिए और आपको मिलेगी। तो आपका आवेदन जो है संक्षिप्त होना चाहिए, एक ही आवेदन में बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मांगनी चाहिए, उससे आपको शुल्क भी बहुत लगता है। धन्यवाद, थैंक यू।